अब योगी आदित्यनाथ जहाँ से कह रहे हैं उनकी खैर पहले खुद का तो राज्य सही हो जाए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं महिलाओं के साथ, वहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो भी कोई आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उस पर UAPA लगा दिया जाता है, तो NSA लगा दिया जाता है। अगर वो ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, ऐसा राम राज्य बनाना चाहते हैं, तो हमें नहीं चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए जो पहले था। एक महिला अगर क्या कहते हैं निकली है ममता बनर्जी, तो उसको क्या कहते हैं किस तरह पिटवाया जाता है, उसका पैर तोड़ दिया जाता है, तो क्या कर रहे हैं आप? एक महिला की तो आप इज्जत नहीं कर रहे, और आप महिलाओं की बात करेंगे? वो खुलकर बोलेगा, जो हक और अधिकार की बात करेगा उसकी आवाज़ दबाई जाएगी, चाहे वो इंसान हो चाहे सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं कई सारे कंटेंट हैं वो हटा दिया जाता है, काम तो वही कर रहे हैं। चाहे आप शाहीन बाग वाला आंदोलन ले लीजिए, चाहे किसान आंदोलन ले लीजिए, चाहे इस तरह के जो मुद्दे हैं वो हम जैसे पत्रकार उठाते हैं, अल्टरनेटिव मीडिया ही उठाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया का इसका कोई रोल नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया वही उठाएगा जो उसको सरकार जो है कहेगी, कमान देगी कि ये आपको उठाना है ये नहीं उठाना, जिससे उसको फ़ायदा होगा, जिससे उसको TRP मिलेगी, जिससे वो लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे। धर्म हमें कभी नहीं सिखाएगा कि मानवता से हट के काम करो, हमें हर धर्म सिखाता है कि मानवता के साथ रहो, मानवता हमें सिखाता है। लेकिन अगर आप एक धर्म की वजह से दूसरे धर्म से डरेंगे तो वो बांटेगा। अब हिंदू को, हिंदू मंदिर में अगर कोई जाता है छोटी मतलब मुस्लिम है वो बच्चा, उसको अभी पता भी नहीं है धर्म के बारे में, इतना 13 साल का वो बच्चा है, स्कूल नहीं जाता है, कबाड़ी का काम करता है, अगर उसने प्यास लगी उधर से पानी पी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मंदिर ही क्या, अगर कोई हिंदू भी होता अगर वो मस्जिद में जाकर पानी पीता तो क्या उसके साथ भी ऐसा किया जाता? चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मीडिया आपको कई महिलाओं के बारे में जानकारी देता है, कई तरह की वीडियो दिखाता है, कई उनके कारनामे भी दिखाता है, लेकिन महिला दिवस के बाद की जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो अपना काम को धर्म समझती हैं और उसे बखूबी निभाती हैं, लेकिन उनका एक और धर्म है परिवार को पालना, यानी अपने बच्चों को पालना। एक ऐसी महिला हमारे साथ है जो ड्यूटी पर तैनात होती हैं, काम करने के लिए अपना इधर से उधर जाती हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा उनका बेबी यानी बच्चा साथ में रहता है। परिचय करा देता हूँ आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना कोटवाल है और मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, फिलहाल मैं दामुख नायक की फाउंडर भी हूँ। दामुख नायक की फाउंडर है, तो ये बड़ी खुशी हुई जानकर कि आप फील्ड वर्क करती हैं और भाग दौड़ी करती हैं, ये सच का आईना दिखाने वाला काम आपने पकड़ा है मीडिया का। तो ये कैसे मैनेज करती हैं, आपकी बेबी आपके पास है और मतलब एक ही बेबी है और भी बच्चे बड़े हैं कैसे? नहीं, अभी फ़िलहाल तो एक ही है और इसी को अभी सब जगह ले जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, जर्नलिज्म जो है मेरे अंदर बसा हुआ है, मतलब मुझे अच्छा लगता है लोगों की परेशानियाँ दिखाना। मैं उस तरह की खबरें करती हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दरकिनार करता है, जिनके लिए उनके मुद्दे जो हैं वो चर्चा का विषय भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके मुद्दे दिखाऊँ। अब ऐसे में मैं अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आपने देखा होगा मैंने किस तरह काम कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने आपने सही बिल्कुल बताया मुझे, मैंने अभी आपको देखा, बड़ी कंफर्टेबल होकर आप बैठे थे, बेबी आपका गोद में बैठा है, माइक लेकर आप बात कर रहे थे। तो ये सब आपके एक तो शौक है, मतलब किस तरह से मैनेज करती हैं, फिर घर पर क्यों नहीं रह सकता ये बेबी आपका? घर पे ऐसा कोई है नहीं, मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी वर्किंग हैं, तो उनको नहीं छोड़ सकती, और बेटी अभी इतनी छोटी है कि वो उसे मैं ही अपना दूध पिलाती हूँ, तो घर पे छोड़ना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। और ये मेरे साथ रहती है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो किसी को भी पकड़ा देती हूँ अगर ऐसी दिक्कत होती है, तो नहीं होती तो मैं खुद ही इसको लेकर काम करती रहती हूँ। अच्छा, एक बहुत गहरी बात आपने हमें बताई थी कि आप ऐसे मुद्दे उठाती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल नहीं दिखा रहा है, तो उस कंटेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे रोज़गार के बारे में या इस तरह की जो स्थिति है क्राइम के बारे में, उस तरह की स्थिति में आप कभी जाती होंगी फील्ड में, तो क्या कंडीशन मिलती है आपको, किस तरह का चैलेंज आपको मतलब सामने आता है? देखिए, कई बार बच्चे की वजह से मुझे इग्नोर भी करना पड़ता है कि मैं फील्ड पे ना जाऊं। जैसे हाथरस वाला मामला अगर आप देखेंगे तो हाथरस वाले मामले में मैं फील्ड पर नहीं गई थी, लेकिन ये था कि मैं घर से बैठ के जितना काम कर सकती थी मैंने उतना किया, मैंने उस मुद्दे को बहुत उठाया, उस पर डेली कुछ ना कुछ कर रही थी। और अभी जैसे किसान आंदोलन है, मैं फील्ड पर नहीं गई, लेकिन जितना मुझसे हो रहा है मैं घर पर बैठ के काम करती हूँ, मैं मुझसे जितना होता है मैं उनसे बातें करती हूँ, उनकी स्टोरी करती हूँ, उनके मुद्दे अपने जरिए लेकर आती हूँ। नहीं, फिर भी ऐसी कई सारी खबरें होती हैं, जैसे ये एग्जांपल है आज का, इस तरह के फील्ड वर्क में मैं जाती हूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा क्राउड ना मिले, क्योंकि इस टाइम पे जो आप देख रहे हैं पेंडेमिक है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो मुझे अपने साथ अपनी बेटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, छोटी बच्ची है, कहीं उसको इस बीमारी से
कुछ भी ना हो जाए तो मैं भीड़ से थोड़ा बचा के रखती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे जैसे जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, इंडिविजुअल फैमिली से मिलना है, तो मैं उसको लेकर जाती हूँ। अच्छा, आसिफ के साथ जो ये घटना हुई, वीडियो बनाया गया, उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है उस वीडियो में, एक पत्रकार के तौर पर आप क्या देखती हैं? मतलब आप बता रही हैं कि फ्रीलांस पत्रकार हैं, तो क्या राय है आपकी? देखिए, इस समय जो मौजूद हालात हैं, उस समय धर्म हमें कभी नहीं सिखाएगा कि मानवता से हटके काम करो। हमें हर धर्म सिखाता है कि मानवता के साथ रहो, मानवता हमें सिखाता है। लेकिन अगर आप एक धर्म की वजह से दूसरे धर्म से डरेंगे तो वो बांटेगा। अब हिंदू को, हिंदू मंदिर में अगर कोई जाता है, छोटी मतलब मुस्लिम है वो बच्चा, उसको अभी पता भी नहीं है धर्म के बारे में, इतना 13 साल का वो बच्चा है, स्कूल नहीं जाता है, कबाड़ी का काम करता है, अगर उसने प्यास लगी उधर से पानी पी लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मंदिर ही क्या, अगर कोई हिंदू भी होता, अगर वो मस्जिद में जाकर पानी पीता तो क्या उसके साथ भी ऐसा किया जाता? तो क्या इस देश में वही हालात रहते जो अभी हैं? कोई इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठा रहा। हम जैसे छोटे पत्रकार इसको उठा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, छोटे छोटे मीडिया चैनल उठा रहे हैं इसको, क्यों बड़ा मेन स्ट्रीम नहीं आ रहा? अगर यही उल्टा कर दें हम, कोई मस्जिद में जाकर अगर हिंदू बच्चे के साथ ऐसा करता तो क्या आपको लगता है कि इस समय ऐसे हालात होते, इस घर के ये हालात होते? मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल था? बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया का यहाँ पे अब ताता लग जाता। इतने सारे जो है हिंदू के ठेकेदार आ जाते, मंदिरों के ठेकेदार आ जाते, यहाँ खड़े होते और अभी बड़े बड़े भाषण देते, टाइम टाइम चलते। लेकिन धर्म की राजनीति होती है, मीडिया भी वही रोल कर रहा है, धर्म देखकर जो है स्टोरी करता है। अच्छा, आप जो काम करती हैं वो किस किस संस्था के लिए आपने काम किया है अब तक? मैं काफ़ी जगह से जुड़ी हुई हूँ। मैं BBC में काम कर चुकी हूँ, मैं नेशनल दस्तक में काम कर चुकी हूँ, मैं द वायर, द प्रिंट, TrueCircle.net, द शुद्रा, और इन सब के साथ मैंने किया मतलब है। बहुत बड़े नाम है ये जिनमें काम कर चुकी हैं। और मेरी भी खुशकिस्मत ये है कि एक सीनियर पत्रकार का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, इन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, और इस जो आसिफ वाला मुद्दा है उसको लेकर भी इन्होंने काफ़ी अहम बातें बताई हैं। जो अगर इसका विपरीत होता, यानी उस बच्चे की जगह, जो समुदाय विशेष की जगह कोई दूसरे धर्म का बच्चा होता, तो शायद आज का माहौल जो है वो बहुत अलग होता, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, वो यहाँ पर ओवी वैंस के साथ हो सकता है लंबी कतार बनाकर उसको ट्रेन बना देते। छोटे पत्रकारों की अगर हम बात करते हैं, जैसे छोटे से मतलब मेरा ये है सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल वाले या फिर जो अपने क्या बोलते हैं उनको, आज़ाद पत्रकार बोल दीजिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? उनकी जो काम करने की कार्यशैली है, देखिए उनके लिए क्या सुझाव कर रहे हैं? काम तो वही कर रहे हैं, चाहे आप शाहीन बाग वाला आंदोलन ले लीजिए, चाहे किसान आंदोलन ले लीजिए, चाहे इस तरह के जो मुद्दे हैं वो हम जैसे पत्रकार उठाते हैं, अल्टरनेटिव मीडिया ही उठाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया का इसका कोई रोल नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया वही उठाएगा जो उसको सरकार जो है कहेगी, कमान देगी कि ये आपको उठाना है, ये नहीं उठाना, जिससे उसको फायदा होगा, जिससे उसको TRP मिलेगी, जिससे वो लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे, वो उस तरह के जो है मुद्दे उठाएंगे। इस तरह के मुद्दे तो हम ही लोग उठाते और असली पत्रकारिता हम ही लोग नहीं। आजकल वैसे मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो करंट मुद्दे तो बिल्कुल नहीं उठाता है, मतलब 1% मान लीजिए उठाता भी होगा, वो डाइवर्ट करके ले जाते हैं हमें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो अब सोशल मीडिया पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर आपकी क्या राय है एक पत्रकार के? सोशल मीडिया पे वही, क्योंकि जो हम जैसे पत्रकार हैं, और जो अभी तो आजकल हर कोई पत्रकारिता कर रहा है, जहाँ जिसको लगता है वो सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता करता है और वो अपने मुद्दे उठाता है, और जो अपने हक और अधिकार की बात करता है उसकी आवाज़ दबाई जाती है। अब सोशल मीडिया की कमान क्योंकि सरकार जो है कोशिश कर रही है उसको दबाने की, आप ट्विटर ले लीजिए, फेसबुक ने तो खुद बता ही दिया है कि जो है उसकी कमान किसके हाथों में है, ट्विटर के अभी ट्विटर का भी ऐसा चल रहा है कि किसके हाथों में जाएगा, किसके हाथों में नहीं जाएगा। तो जो खुलकर बोलेगा, जो हक और अधिकार की बात करेगा, उसकी आवाज़ दबाई जाएगी, चाहे वो इंसान हो चाहे सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं कई सारे कंटेंट हैं वो हटा दिया जाता है इस वजह से, क्योंकि आप जो है आपत्ति पहुंचा रहे हैं, फलाना करें, धमकाना करें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप बस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप जो है सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए आपकी आवाज़ जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये हो सकता है। महिला पत्रकार हैं आप, मैं देख रहा हूँ जैसे बात करते मैं ये आपको अभी थोड़ा बहुत बेचैन तो कर ही रही हैं, तो ऐसे कितने चैलेंजेस आपके सामने आते होंगे? कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि भाई इस बच्चे को संभालूं या फिर ये खबर करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं कि अगर अभी नहीं तो फिर होगा ही नहीं। वो एक पत्रकार के चैलेंजेस ये होते हैं कि जैसे मैंने बताया ना, कोरोना टाइम में मुझे बहुत डिसाइड करना पड़ता कि बड़ी बड़ी स्टोरी में से छूट जाती है ताकि मैं इसको ना लेकर जाऊँ। जैसे अब किसान आंदोलन में मैं नहीं गई फील्ड पर, अभी तक नहीं गई हूँ, और वो सिर्फ बच्ची की वजह से कि बच्ची को मैं नहीं चाहती कि कोई दिक्कतें हो। चाहे शाहीन बाग में उस समय मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं जितना मुझसे होता था मैं वहाँ जाती थी और वहाँ की खबरें करती थी। नहीं, ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार,
और क्राइम को ख़त्म करने की, महिला सुरक्षा की बात करती है। आप एक महिला हैं, पत्रकार भी हैं, कई बड़े चैनलों में और नेटवर्क के साथ काम कर चुकी हैं, तो आपको आपकी स्थिति महिला की सुरक्षा के लिए और जो वर्तमान की सरकार है उसमें कानून व्यवस्था के लिए कितना सुधार या कितने बदलाव नज़र आते हैं? बदलाव कुछ नहीं है, ये सब कुछ जो है माइंडसेट होता है। अगर आपका महिला को बाहर निकलना चाहिए, देखिए डर के आगे जीत है, ठीक है। अगर आप डर के रहेंगे, क्योंकि महिला को तो आपने किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप हंस के भी रहें, खुल के कपड़े पहने, खुल कर बात करें, तो डर है। लेकिन अगर आप डर के आगे जाएंगे तो वो जीत होगी। अब मैं खुल के काम करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, रात को भी जाती हूँ, दिन में भी जाती हूँ, मुझे लगता है मुझे अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी। मैं ऐसे कॉन्टैक्ट रखती हूँ, पुलिस के कॉन्टैक्ट रखती हूँ कि मुझे कभी भी कुछ भी होगा तो मैं किसको कॉन्टैक्ट करूँगी, एमरजेंसी में किसको कॉन्टैक्ट करूँगी। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं बाहर निकलती हूँ, और जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी निकलना चाहिए। फिर घर में बैठना या चुप रहना कोई सोल्यूशन नहीं। बीबी बहुत परेशान कर रहा, तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे बंगाल चुनाव पर कर लेता हूँ। बंगाल चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए बंगाल चुनाव में तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं। नहीं, एक तो मुद्दों की राजनीति हो ही नहीं रही है, ममता बनर्जी की चोट लग गई है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, क्राइम मुक्त कर देंगे बंगाल को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ जहाँ से कह रहे हैं उनकी खैर पहले खुद का तो राज्य सही हो जाए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं महिलाओं के साथ, वहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो भी कोई आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उस पर UAPA लगा दिया जाता है, तो NSA लगा दिया जाता है। अगर वो ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, ऐसा राम राज्य बनाना चाहते हैं, तो हमें नहीं चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए जो पहले था। हमें अब बंगाल को भी वो चाहते हैं कि वैसा ही बनाए। अब एक महिला अगर क्या कहते हैं निकली है ममता बनर्जी, तो उसको क्या कहते हैं किस तरह पिटवाया जाता है, उसका पैर तोड़ दिया जाता है, तो क्या कर रहे हैं आप? एक महिला की तो आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, और आप महिलाओं की बात करेंगे? आप राम राज्य बनाएंगे, कैसा राम राज्य, ऐसा राम राज्य बनाएंगे आप? तो ये हमारे साथ महिला पत्रकार थी, फ्रीलांस पत्रकार है, और आपने देखा होगा कितनी बेबाक बोलती हैं, क्योंकि इनको अच्छा खासा तजुर्बा है, एक कई सारे चैनलों में काम कर चुकी हैं जो बड़े बड़े नामचीन चैनल हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका साफ तौर पर इन्होंने हमें बताया कि किस तरह के चैलेंजेस इनके सामने आते हैं, और मैं सलाम करता हूं ऐसी महिला को जो अपने हर फर्ज को निभाते हुए आगे बढ़ती हुई चल रही हैं। कई चैनल को छोड़ने के बाद अब इन्होंने ये फैसला किया है कि ये खुद एक निष्पक्ष निर्भीक और फ्रीलांस पत्रकारिता करेंगी। साथ ही आपने देखा होगा जो इनकी गोद में बेबी है, ये उसको कैरी करके इसलिए चलती है क्योंकि मियाँ और बीवी यानी पति और पत्नी काम करते हैं, और बेबी को इन्हें ही संभालना होता है, वो फीडिंग करता है, तो इस वजह से उसको कहीं छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन टाइम 24 न्यूज़ ऐसी महिलाओं को सलाम करता है, और मैं ऐसी महिलाओं को सलाम करता हूँ जो अपने काम को महत्व देते हैं और सच्चाई को निर्भीक दिखाते हैं। टाइम 24 न्यूज़ के लिए मैं हामिद सैफी।